Hello student, today we will discuss introduction to trigonometry exercise 8.1. ठीक है, यहाँ पे दे रखा है cot theta equal to 7/8 दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है कि जो trigonometric ratio होते हैं, मैंने एक पैटर्न बता रखा था लर्न करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब p by h sin theta बताया था। sin theta क्या होता है हमारे पास, p by था। b by h क्या था हमारे पास, cos theta बताया था। cos theta क्या था, b by h था। एंड p by b क्या था हमारे पास, tan theta था। tan theta क्या था हमारे पास, p by b था। ठीक है, p by b। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, और यहाँ पर देखो साइड में मैं लिख देता हूँ, जैसे sin theta जो होता है reciprocal of cosec theta होता है, cosec theta। तो cosec theta क्या हो जाएगा, 1/sin theta। तो साइन थीटा हमारे पास क्या था, पी बाई एच था, पी बाई एच था। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। सेम सेक थीटा क्या था हमारे पास, 1/cos theta। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हमारे पास, बी बाई एच है, बी बाई एच। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan theta। तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा, 1/p/b, मतलब कॉट थीटा हमारा फाइनली आ गया, बी बाई पी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही सुन। तो हमारे पास जो कॉट थीटा दे रखा है, वो दे रखा है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो ये हम ट्रायंगल डिजाइन कर रहे हैं, सपोज करो ये हमारे पास ट्रायंगल है, सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और ये हमारे पास सपोज करो थीटा है। ठीक है, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा क्या, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो ये क्या काम करेगा, ये आपका जो साइड है वो क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। और ये क्या काम कर रहा है, ये जो अपोजिट जस्ट थीटा की जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर साइड होती है, परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको B से। तो cot theta क्या हो, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब AB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और ये ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है, ये सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या रखा, cot theta इक्वल टू दिस वन। तो फ्रॉम वन एंड टू से, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड, ये देखो cot theta, ये भी है 7/8 है, ये भी है, क्या होता हो जाएगा, AB by BC 7/8। क्लियर है, तब ये रेशियो में दे रखा है। तो AB को हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 के, और BC कितना हो जाएगा हमारे पास, BC 8 के हो जाएगा, मतलब K इज द कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो AB इक्वल टू देखो, अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान देना 1 मिनट। अब हमने देखो ट्रायंगल में जो हमने डिजाइन किया, सपोज करो ये हमारा ट्रायंगल था जिसे हमने बनाया था AB C। ठीक है, तो AB हमने कितना निकाला, 7 के। ठीक है, AB हमने कितना निकाला स्टूडेंट, 7 के। तो 7 के। ठीक है, और BC कितना निकाला, 8 के। तो ये कितना है, 8 के। ठीक है, ये 8 के है। इतनी बात समझ, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ABC B पर कितना है, 90 डिग्री है। हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे PT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, AC हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB का स्क्वायर, AB हमारे पास कितना है, AB हमारे पास कितना है, 7 के, 7 का क्या स्क्वायर। ठीक है, और BC कितना है, 8 के का स्क्वायर। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर, 7K का स्क्वायर कितना होगा, 49K, और 8K 64K का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो AC का स्क्वायर
ये कितना 113 k का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 113 k का स्क्वायर। तो देखो 113 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो इस ए सी इक्वल टू कितना प्लस माइनस 113 k आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या जो भी साइड होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, इसीलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। देयरफॉर ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 113 k हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, अब हम क्या काम करेंगे, इसको हटा देते हैं, आई थिंक सब बच्चों को पता चली गया है, इसको हटा देते हैं। वन मिनट, वन मिनट, चलो ये है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। देखो हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूस हमने पता कर लिया कितना आया, अंडर रूट 113 के आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पहली वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमें साइन थीटा पहले निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या होता है हमेशा, साइन थीटा अभी हमने बताया, साइन थीटा बताया स्टूडेंट, पी बाई एच बताया, पी बाई एच बताया। इस केस में परपेंडिकुलर, ये अगर मान लो थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर ये काम कर रहा परपेंडिकुलर, और ये क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा, और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस है स्टूडेंट, क्लियर है। तो P बाई एच मतलब 8 के डिवाइड बाई 113 के, K से K गया, क्या है 8 बाई अंडर रूट 113, क्लियर है। फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल गई, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा स्टूडेंट, बी बाई एच होगा। तो देखो तो इस केस में बी कितना है 7 के है, 7k डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास अंडर रूट 113 के, k से k गया 7 बाई अंडर रूट 113 बचा। तो अब देखो हम इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, पहला 1 प्लस साइन थीटा, एंड आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, मतलब ये वाली आइडेंटिटी देखो 1 माइनस साइन थीटा ये आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, ये देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर। तो क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर या लिखो या नहीं लिखो बात तो वही है, तो 1 का स्क्वायर हटा दिया हमने, 1 का स्क्वायर नहीं लिखना हमें, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो हमारा वही आता है, ठीक है। तो हमारी ये आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, लिखना है तो लिख दो। अब हम देखो सिंपली क्या कर सकते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, एंड 1 डिवाइड बाई 8 बाई 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, ठीक है, एंड 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो 113 डिवाइड बाई 113 माइनस 64, एंड हियर एलसीएम 113 माइनस 49, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 113 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच गया, 113 माइनस 64 एंड दिस वन 49 एंड 113 माइनस 49 64, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 49/64 आ गया, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या काम करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49/64, ठीक है, दिस वन वैल्यू ऑफ दिस वन इक्वल टू 49/64 आ गए, क्लियर है। सेम वैसे हम इसका भी निकाल लेंगे, तो इसका कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखो सेकंड का आंसर कैसे निकालेंगे, ये सेकंड का, तो सेकंड का क्या कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, एंड कॉट थीटा क्या हमारे पास, कॉट थीटा 7/8 है, 7/8 है, तो कितना हो जाएगा
49 डिवाइड बाई 64, तो इसकी भी इसका भी आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 49 बाई 64 आ रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो एट्थ क्वेश्चन है हमारा, 3 cot a इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखा 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 by 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक ट्रायंगल अगर सपोज करो डिजाइन करते हैं, मान लो सपोज करो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है एंड सी है, ठीक है। दिस वन इज 90 degree एंड cot a, दिस वन इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cot a इक्वल टू कितना होगा, cot a, cot इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, बेस कितना है cot a इक्वल टू, बेस कितना है ab, ab और परपेंडिकुलर कितना है bc। तो यहाँ हमारे पास जो गिवेन था, इक्वेशन वन मान लिया और इसको इक्वेशन टू मान लिया, इतनी बात समझ में आई। तो फ्रॉम वन एंड टू से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 4 by 3 इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी सी। क्लियर। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखो ए बी इक्वल टू 4 by AB / BC = 4/3 मिला, तो हम क्या मान सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या मानेंगे, 4 के, वेर के इज द कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एंड के इज द एनी स्केलर क्वांटिटी, एंड बी सी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3 के मिलेगा, ठीक है। तब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या काम करेंगे, ये दिस वन ट्रायंगल, तो हमारे पास ए बी की लेंथ कितनी आ गई, ए बी हमारे पास कितना आ गया, देखिए ए बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4 के आ गया, ठीक है, एंड बी सी कितना आ गया हमारे पास, 3 के आ गया। तो हाइपोटेनियस की लेंथ निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल बी कितना हमारे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जा सकता है। देयरफॉर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी का स्क्वायर कितना होगा, 4k का स्क्वायर, बी सी कितना होगा हमारे पास, 3k का स्क्वायर, एंड फाइनली वी विल गेट 16k का स्क्वायर एंड 9k का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25k का स्क्वायर, तो फाइनली वी विल गेट ए सी इक्वल टू प्लस माइनस 5k, क्लियर है। बट हमारा लेंथ जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 5k, क्लियर है। तो हमें हाइपोटेनियस मिल गया स्टूडेंट, हाइपोटेनियस फाइनली हमें कितना मिल गया, 5k मिला, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, तो हमें क्या बताना, 1 - tan² a, देखो तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, तब यहाँ पर क्या काम करेंगे, पहले हम देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 - tan² a डिवाइड बाई 1 + tan² a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, जस्ट कॉट का रेसिप्रोकल होगा, कॉट ए इक्वल टू कितना दे रखा है, तो टेन ए जो होता है हमारा, टेन ए यहाँ पर साइड वर्क में कर लेंगे, जो टेन ए होता है कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए इक्वल टू कितना होता है, तो टेन ए इक्वल टू 1 by cot a, कॉट ए, तो कॉट ए कितना हमारे पास, कॉट ए इक्वल टू जो है वो कितना 4 by 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 by 4 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये तो हमने पहली इक्वेशन से हमने निकाल लिया, ये क्या मिलेगा हमें, 3 by 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3 by 4 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, 1 - 9/16 एंड 1 + 9/16, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, तो फाइनली हमें मिला ये 16 - 9/16 डिवाइड बाई 16 + 9/16, क्या मिल गया यहाँ पर, तो देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब क्या मिला, 16 - 9, तो ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है, 16 - 9 कर देंगे तो 7 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना मिला, 1 - tan² a डिवाइड बाई 1 + tan² a इक्वल टू 7/25, ठीक है। तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट, राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट कर लेंगे। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, cos² a - sin² a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो cos² a - sin² b फाइंड आउट कर लेंगे,
यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ट्रायंगल पता होना चाहिए आपको। तो देखो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यहाँ से करते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कॉस ए कितना होगा, इसमें बेस अपॉन कॉस ए जो होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कॉस ए क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी, ए बी डिवाइड बाई ए सी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं साइड में, कॉस ए क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस और साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तब यहाँ पे देखो बेस हमारे पास कितना है, स्क्वायर ये बेस का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा और ये हमारा क्या हाइपोटेनियस का काम कर रहा, क्लियर है। तो अब क्या काम कर रहा है, बेस हमारे पास क्या है, फोर के का स्क्वायर, फोर के डिवाइड बाई फाइव के का स्क्वायर, क्लियर है। एंड ये कितना हो जाएगा, फोर के थ्री के का स्क्वायर डिवाइड बाई फाइव के का स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, फोर के सिक्सटीन के का स्क्वायर बाई ट्वेंटी फाइव के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस नाइन के का स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव के का स्क्वायर। देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव एंड नाइन बाई ट्वेंटी फाइव। तो एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन माइनस नाइन, तो फाइनली वी विल गेट सेवन बाई ट्वेंटी फाइव। तब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा यही आता है सेवन बाई ट्वेंटी फाइव एंड राइट हैंड साइड भी हमारा क्या आ रहा है सेवन बाई ट्वेंटी फाइव। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर दिस वन इक्वल टू दिस वन आर इक्वल, क्लियर है। तो देयरफॉर फाइनली लास्ट में लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना मिला, सेवन बाई ट्वेंटी फाइव मिला, क्लियर है स्टूडेंट। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा दे रखा है इन अ राइट एंगल्स ए बी सी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, ये बोला इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, राइट एंगल एट बी, तो एक हम ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल एट बी है, ठीक है, तुम्हारा ए बी एंड सी, इस पर कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। इफ टेन ए इक्वल टू कितना दे रखा है, टेन ए, टेन ए इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, ठीक है। अब यहां पे देखो जिससे ये एंगल ए है, तो ये इसके जस्ट ये परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। एंड दिस वन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, ये देखो परपेंडिकुलर और ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये क्या काम करेंगे हम, तो टेन ए, तो टेन ए कितना होता है, टेन ए इक्वल टू मतलब हमने जो बताया था पी बाई बी होगा, पी बाई बी होगा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो टेन ए इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, बी सी, ठीक है। एंड बेस क्या है हमारे पास, ए बी है, ए बी, इतनी बात समझ में। तो फ्रॉम वन एंड टू सम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेन इक्वल वन बाई रूट थ्री है। एंड ए बी देखो बी सी बाई ए बी कितना हमारे पास, टेन ए है। तो फ्रॉम वन एंड टू से हम कह सकते हैं बी सी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। एंड ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट थ्री के हो जाएगा। के क्या है, कॉमन मल्टीपल दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे, तो देखो तो बी सी हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट, बी सी हमारे पास के आ गया एंड हमारे पास ये ए बी हमारे पास कितना हो गया, रूट थ्री के। तो अब यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल बी कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर
इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। यहां पर रीजन क्या लिख देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। अब यहां पर देखो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के का स्क्वायर डिवाइड, ये क्या रूट थ्री के का स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का करेंगे तो क्या आएगा, थ्री के आएगा, थ्री के का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, फोर के का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी, ए सी इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस टू के आएगा। ठीक है, प्लस माइनस टू, बट लेंथ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ए सी इक्वल टू कितना हो गया, टू के आ गया। ए सी की लेंथ कितनी हमारे पास, टू के है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, पहला हमें रिलेशन जो प्रूव करना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, पहला जो रिलेशन प्रूव करना है, साइन ए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए एंड साइन सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हम सबकी वैल्यू निकाल देंगे स्टूडेंट, एक काम करते हैं, पहले हम इसको सबकी वैल्यू निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन ए, साइन ए क्या होगा, देखो पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ए, और ए साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो अब यहाँ पे देखो साइन ए, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, के है, के डिवाइड बाई, और ये क्या हाइपोटेनियस क्या है, टू के है, मतलब कितना मिल गया हमें, वन बाई टू मिल गया। ठीक है, वन बाई टू मिल गया। ठीक है, तो साइन ए फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, वन बाई टू मिला। क्लियर है स्टूडेंट, अब हमें क्या चाहिए, कॉस ए निकालो, पहले कॉस ए निकाल लेंगे। तो कॉस ए जो होगा वो क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हमारे पास, रूट थ्री के है, और हाइपोटेनियस क्या है, टू के है। तो कितना हो जाएगा, के बाई, सॉरी के से के कैंसिल हो गया ना, के से के कैंसिल, क्या बचा, रूट थ्री बाई टू बचा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया, रूट थ्री बाई टू आ गया। ठीक है, तो रूट थ्री बाई टू, तो कॉस ए जो हमारा आ गया, रूट थ्री बाई टू आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब क्या काम करेंगे, साइन कॉस सी निकालना है। तो सी के रिस्पेक्ट में अगर हम ध्यान दें, तो देखो सी के रिस्पेक्ट में ये हमारा बी है, सी के रिस्पेक्ट में, अब ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा स्टूडेंट, और ये क्या काम करेगा, बेस के काम, बेस का काम, मतलब एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये जो बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है, कॉस सी, कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो कॉस कितना हो जाएगा, के डिवाइड बाई, बेस क्या है हमारे पास, के है, और ये टू के, मतलब ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। तो कॉस सी कितना आया, वन बाई टू आया। क्लियर है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, देखो कॉस सी जो आ गया, कॉस सी आ गया, वन बाई टू आ गया। अब हमें निकालना है साइन सी, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। यहाँ देखो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर रूट थ्री के, रूट थ्री के, ठीक है, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस टू के, तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री बाई टू आ गया। तो साइन सी हमारे पास आ गया, साइन सी रूट थ्री बाई टू आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब क्या काम करेंगे हम, देखो हमारी सारी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, देखो इसको हम यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो देखो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्या है हमारे पास, साइन ए, देखो साइन ए कॉस सी, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वन बाई टू है, वन बाई टू पुट किया। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी की वैल्यू वन बाई टू, वन बाई टू पुट किया। कॉस ए कितना हमारे पास, रूट थ्री बाई टू है, रूट थ्री बाई टू पुट किया। साइन सी कितना है, रूट थ्री बाई टू है, ये कितना हो गया, वन बाई फोर हो गया, और ये थ्री बाई फोर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा,
और वन प्लस थ्री मतलब फोर बाई फोर कितना आ गया, वन आ गया, मतलब इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, वन आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या काम करेंगे, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, आई थिंक ये तो सॉल्व कर ही लेंगे आप, तो इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। इसकी हमें जरूरत नहीं थी यहाँ पर, देखो अब देखो सारी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा हमारे पास, ये देखा कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉस ए हमारे पास है रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, ये हमारे पास रूट थ्री बाई टू है। कॉस सी कितना है हमारे पास, कॉस सी वन बाई टू है, माइनस साइन ए कितना है वन बाई टू है, साइन सी कितना हमारे पास रूट थ्री बाई टू है, ये कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा, और ये रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा फोर, रूट थ्री माइनस रूट थ्री मतलब जीरो डिवाइड बाई फोर मतलब जीरो, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसकी दोनों की वैल्यू आ गई, पहले की वैल्यू कितनी है वन आ रही है, सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा क्वेश्चन नंबर टेन है, ये दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट क्यू है। यहाँ पर देखो एक हम ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दे रखा है, और क्यू पर कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू हमारे पास आपका पी क्यू हमारे पास 5 दे रखा है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो पी क्यू 5 दे रखा है, एंड देखो अब क्या काम करेंगे, इसमें से कोई एक वैल्यू x मान, देखो हमारे पास क्या दे रखा है पी आर प्लस, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25 पे, तो यहाँ से हमने इसको x मान लिया, सपोज करो x मान लिया, तो पी क्यू को क्या, देखो आर क्यू को क्या माना जा रहा है, x माना जा रहा है, तो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो हमें पता है पी क्यू इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है, एंड आर क्यू हमारे पास कितना है x है, और पी आर हमारे पास कितना हो गया 25 माइनस एक्स हो गया। अब क्या बताना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो देखो पहले हमें तीनों साइड पता होने चाहिए, तब यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्या बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो कितना होगा पी आर, पी आर हमारे पास कितना है स्टूडेंट, पी आर हमारे पास कितना है, पी आर हमारे पास ये दे रखा है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा हमारे पास 5 दे रखा है 5 का स्क्वायर, एंड पी क्यू आर कितना दे रखा हमारे पास ये x का स्क्वायर दे रखा है। तो देखो अब इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर देंगे, 25 का स्क्वायर माइनस टू इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 और ये एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा देखो एक, ये एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625 आएगा, और ये तुम्हारा आपका 25, हाँ तो ये 50x आ जाएगा इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओ 625 माइनस 25 और ये 50x, तो कितना हो गया 600 आ जाएगा, ठीक है, 600 आ गया आपका, ये 50x हो गया, तो 600 डिवाइड बाई 50, ठीक है, ये कट गया, ये x आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ गया, हमारे पास
एंड आर क्यू हमारे पास कितना आ गया, आर क्यू इक्वल टू, देयर फॉर आर क्यू इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, तो हमें आर क्यू जब हम आ गया तो पी आर भी निकाल सकते हैं। पी आर इक्वल टू कितना हमारे पास, पी आर इक्वल टू कितना है 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ गया 13 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, तो ये कितना हो गया 13 हो गया। तो हमें सारी साइड पता चल गई स्टूडेंट, हमें सारी साइड पता चल गई, पी क्यू पता चल गया, आर क्यू पता चल गया एंड हाइपोटेनियस भी पता चल गया। तो अब हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है, हमें क्या बताना है साइन पी, तो साइन पी, तो साइन पी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर पी के रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, तो पी के रिस्पेक्ट में ये कितना हमारे पास, पी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा, देखो ये क्या काम कर रहा, परपेंडिकुलर का काम कर रहा, और ये क्या काम कर रहा, बेस का काम कर रहा, और ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा। क्लियर है? तो अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो साइन पी, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12 है और हाइपोटेनियस कितना 13 है, तो साइन पी हमारे पास आ गया 12/13 आ गया। क्लियर है? ठीक है, एंड कॉस पी, कॉस पी क्या होता है, कॉस पी, क्योंकि आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाई एच ये होता है साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा होता है, एंड पी बाई एच टेन थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉस, कॉस पी बोला है कि कॉस पी क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो इस केस में बेस क्या है स्टूडेंट, बेस हमारे पास 5 है, 5/13, तो कॉस पी कितना हो जाएगा, कॉस पी, तो देयर फॉर कॉस पी कितना हो जाएगा, कॉस पी इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? अब क्या बताना है हमें, टेन पी, तो टेन पी कितना होगा इसमें, परपेंडिकुलर अपन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 12 है और बेस कितना हमारे पास 5 है, ये आ गया आपका फाइनली हमारे पास टेन पी जो हो गया वो कितना हो गया 12/5 हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलता तो आप फाइंड आउट कर सकते थे स्टूडेंट। तो हमने देखो साइन पी बता दिया, देखो साइन पी हमें बता दिया, दिस वन बता दिया, कॉस पी बता दिया एंड टेन पी, यही तो हमें तीनों फाइंड आउट करने थे। क्लियर है? तो और भी बोलता है, जिससे मतलब कॉसेक पी बोलता है, सेक पी बोलता है एंड कॉट पी बोलता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर सकते थे। अगर मान लो यही पूछ देता है यहाँ पर, यहाँ पर अगर पूछ देता है यहाँ पर आपको कि वन मिनट, तो यहाँ पर आपको ये पूछ देता टेन कॉट पी बताओ, तो कॉट पी कितना हो जाता है, कॉट पी, कॉट पी क्या होता है, जस्ट टेन का उल्टा हो जाता है, मतलब 5/12 हो जाता है। ठीक है, कॉसेक पी बोल देता, कॉसेक पी मतलब साइन का उल्टा बोल देते, साइन का उल्टा बोलते मतलब 13/12 बोलते हैं। ठीक है, सेक पी बोल देता तो कॉस का उल्टा हो जाता, कॉस का उल्टा हो जाता मतलब 13/5 हो जाता। क्लियर है? लेकिन इन्होंने पूछा नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पूछता तो आप बता सकते थे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर